व्हाट्सअप गाइस, सबसे कैसे हो गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले द रीबॉर्न सुपर डॉक्टर एपिसोड 1 की स्टार्टिंग यहाँ हुई होती। तभी यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो गया होता। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है कि इतने बड़ा हादसा मेरे सामने। तभी हमें दिखाया जाता है, वो सोचने पर लग जाता है क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी वो देखता है कि एक लाश वहाँ पर, वो सोचता है कि क्या है, मेरी लाश है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसको कोई खींच रहा होता है। तभी वो बोलता है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ इधर। और यहाँ पे तभी गॉड बता रहा होता है। तभी वो बोलता है मुझे मतलब पुराने ले जाना चाहिए था, लेकिन आप तो उसको अचानक मतलब दौड़ पड़े बचाने के लिए और मैंने गलत इंसान को फंसा दिया। और यहाँ पे ये सब बात सुनेगा जिंग बोलता है कि मतलब आपका कहने का मतलब क्या है, मतलब आपने रॉन्ग पर्सन को मारा। तभी वो दादी मामा पे बोलने लग जाती है, मैं तो बस खाली ड्राइवर को मतलब ब्लैकमेल करना चाहती थी और तुम मुझे मतलब बचाने के लिए क्यों यहाँ पे आए और क्यों भागे। और वो तो मतलब ड्राइवर बहुत अच्छा आदमी है। तभी वहाँ पे वो जो गॉड होती है वो बोलती तू तो गया। तभी वो मतलब एग्जिंग बोलता है क्या। तभी यहाँ पे वो अपना बताने लग जाता है, मतलब मेरा नाम जिंग है और FY है। तभी बोलता है 24 साल की उम्र में हूँ मैं और रेसिडेंसी फिजिकल ट्रेडिशनल चाइनीस मेडिकल हॉस्पिटल में काम करता। तभी बोलता है 10 मिनट पहले ही मतलब मेरी रात की ड्यूटी के बाद अपने घर के रास्ते ही में मतलब उसके दुर्घटना हुई होती है। तभी बोलता मतलब एक बूढ़ी महिला को बचाने के लिए मतलब मैं गया, तभी वहाँ पे मर गया। तभी बोलता है कितनी दुख की बात है, जीवन है ये। यहाँ पे वो गॉड बोलती है मतलब तुम रोना बंद करोगे, तुम तो पूरे रास्ते रोड रोते रोते आए हो। तभी बोलती है कि जिसको रोना चाहिए वो तो रो नहीं रहा है, मतलब मैंने कांड किया, मतलब उसने मैंने तो नहीं रो रही और तुम रो रहे हो यहाँ पर। तो मैंने गलत व्यक्ति को फंसा दिया और मैं अपने मतलब मंथली परफॉर्मेंस जो होता है एवोल्यूशन उसमें मतलब मैं फेल हो जाऊंगी अब यहाँ पर। तभी यहाँ पे मतलब एग्जूम बोलता है क्या आपका मतलब आपका भी मतलब परफॉर्मेंस एवोल्यूशन होता है क्या। और यहाँ पे जो लड़के रहते हैं वो बोलने लग जाती है मतलब जो मिस्टर किंग है नरक के राजा, वो हमेशा हमें बोलते हैं कि मतलब बदलते समय के साथ हमें चलना चाहिए और जो परफॉर्मेंस एवोल्यूशन है उसके अलावा मतलब शिकायत योजना भी मतलब इतना कड़क है कि बोलने वाली बात ही नहीं। और अगर तभी वहाँ पे वो जो लड़का रहता है एक्सिंग वो बोलता है अगर मैं मतलब शिकायत करता हूँ तो तुम्हारा क्या होएगा। तभी बोलता है मैं रहूँगा। तभी वहाँ पे वो मतलब लड़की बोलने लग जाती है रुको तुम क्या मेरे बारे में मतलब शिकायत करने जा रहे हो क्या, ऐसा मत करो। यहाँ पे वो लड़की बोलने लग जाती है मतलब प्लीज़ तुमने मेरे बारे में शिकायत करते हो तो मतलब मेरे को जो ग्रेजुएशन होने वाला है वो नहीं हो सकता हूँ और मतलब जो ग्रेड मेरे को मिलने वाला है मतलब वापस से रिपीट करना पड़ेगा। और गाइस आज के लिए इतना बहुत है, और चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।